हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आपको आज 21 साला के सुंदर बेदियों का दिव्य दर्शन कराऊंगा। आप सुंदर तरीके से बेदियां देखिए और उसके बाद 21 साला के में जो भी कार्यक्रम होगा वो दिखाया जाएगा। कल की जो भी तैयारियां होंगी विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा वो सब दिखाया जाएगा। साउथ के ब्राह्मण वो भी सब दिखाए जाएंगे। जो भी कार्यक्रम होंगे ये बेदियाँ देख के आप सर्वतोभद्र क्या सुंदर दिव्य स्वरूप दे रखा है। सारी बेदियों को आप सुंदर तरीके से देखिए। वीडियो को आगे से इसकी मत करिएगा। छोटों को मेरा राम राम, बड़ों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यह नवग्रहों की बेदी। सुंदर तरीके से बेदियों का दर्शन करते हुए, सारे विप्र ब्राह्मण देवताओं का दर्शन करते हुए आनंद लीजिए। और अंत में ब्राह्मणों के भोजन की जो व्यवस्था होती है उसको भी आप देखिएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था की है यहाँ के व्यवस्थापकों ने, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिव्य यज्ञ हो रहा है, लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आप लोग गरीब घर बैठे आनंद लीजिए। धन्यवाद। राम राम जी। देख सकते हैं पूरे ब्राह्मणों का गुत्था, एकदम उत्तम गुत्था, जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर भी रंगोली होनी बाकी है इन कुंडों में। ये हमारे अश्विनी भाई साहब, इन्हीं के थ्रू हम आए हुए यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हजार ब्राह्मणों की व्यवस्था है अश्विनी भाई साहब के पास। हमारे सारे हजार ब्राह्मणों को ये कंट्रोल में कर रहे हैं।
करेंगे कुंडों का, कहाँ क्या कमी बेसी है, कहाँ पर कहाँ क्या छूट गया है, देखते हैं। कुंड भी देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े कुंड हैं। कार्यक्रम है तो बहुत बड़े बड़े दिव्य कुंड बने हुए हैं। दिव्य कुंडों का आप लोग सब आनंद ले सकते हैं। बहुत सुंदर यज्ञशाला अगर हम घूमेंगे पूरी तरीके से भ्रमण करें हर कुंड का तो आधा घंटा लग जाएगा। सीधे घूमते घूमते भ्रमण करते करते ही, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनी हुई हैं।
संसार सारं मुदगेंद्र हारं सदा प्रसन्तं विद्यार विन्द भवं भवानी।